बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी चिकन मैक्रोनी बनाने का तरीका, ठीक है। उससे पहले हम इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ मैं आपको, जिसमें हमने एक लिया है टमाटो, एक हमने ली है, नहीं दो ली है हमने कैरेट, डेढ़ हमने ली है शिमला मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट, और हाफ बंद गोभी, दो प्याज और दो चम्मच मायनीज के, तीन चम्मच केचप के, और एक हमने लिया है लेमन, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाली एल्बो की चिकन मैक्रोनी का पैक लिया है। देन हमने डेढ़ चम्मच लिया काली मिर्च और डेढ़ चम्मच ही हमने लिया सुरख मिर्च, ठीक है, और आधा किलो लिया है हमने चिकन। ने तीन कप पानी के लिए हैं और उसमें हाफ चम्मच नमक का ऐड किया है और एक चम्मच ऑयल का ऐड किया है। बॉयल आने के बाद हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। पानी को बॉयल आने के बाद हम उसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे, साथ ही चिकन बॉयल कर देंगे। हमारी जो मैक्रोनी है वो बॉयल हो चुकी है। बॉयल होने के बाद इसका जो थोड़ा सा साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे और इसमें ठंडे पानी से इसको गुजार लेंगे। ठंडे पानी से गुजारने के बाद हम इसमें थोड़े से एक चम्मच ऑयल का शामिल कर लेंगे ताकि ये जुड़े ना आए एक दूसरे में। जब चिकन और मैक्रोनी को बॉयल कर लिया हमने, उसके बाद जो सब्ज़ियाँ थी हमारे पास, शिमला मिर्च, कैरेट, उनको हम बॉयल कर लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। मैक्रोनी बॉयल होने के बाद उसको हमने ठंडे पानी से गुजार लिया है और उसमें हमने एक चम्मच ऑयल को ऐड कर लिया है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। तब तक हम सब्ज़ियाँ बॉयल करते हैं, इसमें ऑयल ऐड कर लेते हैं हसबे ज़रूरत। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेते हैं। और इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन या कलर नहीं देना क्योंकि हम सालन नहीं बना रहे हैं, बस थोड़ा सा भून लेते हैं। इसमें टमाटर ऐड कर लेते हैं और इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेते हैं। और इसको 5 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर लेंगे क्योंकि आधा हमने मैक्रोनी में भी ऐड किया हुआ था। अब हमने फूटी हुई ये सूख मिर्च ऐड कर लेनी है, साथ ही काली मिर्च भी ऐड कर लेनी है, ये डेढ़ डेढ़ चम्मच ही दोनों। इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। अगर आपके पास लेमन जूस है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें मायनीज ऐड करते हैं, 2 चम्मच डालने से हमें। हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये नीचे से लग रहा था। अब हम इसमें केचप ऐड करते हैं, टमाटो केचप। हमने 3 चम्मच लिया है मायनीज, जो थी वो 2 चम्मच थी। हम इसमें बंद गोभी ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें बाकी की सब्जियां ऐड कर लेते हैं। सब्जियां हमने डाल ली हैं, अब हमने इनको फ्राई कर लेना है 5 से 10 मिनट तक के लिए। हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर लेते हैं।
अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करते हैं। अब हम सब्जियों और मैक्रोनियों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए अब हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसे दम पे लगा देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसको खोलेंगे। अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है, देखें कितनी मज़े की लग रही है रेसिपी। अगर अच्छी लगे तो ट्राई भी करिए, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को और बेल आइकन का ऑप्शन दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।